आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। हेमंत का चुनावी दांवपेच, पिछड़ों को साधने के लिए खेला आरक्षण कार्ड। झामुमो नेता के नक्सली कनेक्शन पर कहा कि फंसाने की साजिश। दूसरी खबर, यूरेनियम कॉरपोरेशन में सीबीआई का छापा। तीसरी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आई पिता की याद, लालू से मिले तेजस्वी। चौथी खबर, झोला छाप डॉक्टरों के मकड़ जाल में झारखंड के गांव, मरीजों की जान से खिलवाड़। पांचवी खबर, महुआ टांड में नक्सलियों ने मचाया तांडव, पोकलेन मशीन सहित मिक्सर मशीनों में लगाई आग, इलाके में दहशत। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पिछड़ों को साधने के लिए आरक्षण कार्ड खेल दिया है। बदलाव यात्रा के दौरान शनिवार को गोड्डा दौरे पर पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। अगर उनकी सरकार आ गई तो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही 25 करोड़ तक के ठेकेदारी सिर्फ झारखण्ड वासियों के लिए ही होगी। इसमें भी पिछड़ों को प्राथमिकता मिलेगी, वहीं किसानों के लिए भी उनकी सरकार योजना लाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों के लिए किसान बैंक, महिलाओं के लिए महिला बैंक के साथ साथ 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। गठबंधन के मसले पर उन्होंने कहा कि फिलहाल वे बदलाव यात्रा पर हैं, 1 महीने तक चलने वाली यात्रा के बाद गठबंधन पर बात करेंगे। हेमंत सोरेन ने झामुमो नेता प्रशांत ठाकुर के नक्सली कनेक्शन पर कहा कि वास्तविकता जाननी है तो धरातल पर जाइए। कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग विरोधियों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। ढुल्लू महतो जैसे लोगों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। सीबीआई की टीम ने जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में छापेमारी की। शुक्रवार से शुरू हुई छापेमारी शनिवार को भी जारी रही। शनिवार को सीबीआई टीम ने कार्मिक और भंडारण विभाग में छानबीन की। एक एक स्टोर की बारीकी से तलाशी ली गई। मामला ओवरटाइम और टीएडीए से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में 3 महीने पहले यूसीआईएल के अकाउंट्स ऑफिसर संजीव शर्मा समेत 2 अन्य कर्मचारी निलंबित किए जा चुके हैं। इन पर ओवरटाइम में लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप है। इस मामले में विभागीय जांच भी चल रही है। स्टोर विभाग में ओवरटाइम का मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर था। छापेमारी में सीबीआई के 5 लोग शामिल थे। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से तेजस्वी यादव की नाराजगी की खबरों के बीच आखिरकार उन्हें पिता लालू प्रसाद यादव की याद आ ही गई। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार रांची पहुंचे तेजस्वी यादव ने शनिवार को रिम्स में पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे की मुलाकात के दौरान पिता पुत्र के बीच घर परिवार के अलावा बिहार के राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा हुई। पिता की तबीयत का हालचाल लेने के बाद बाहर निकलकर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि लालू जी को काफी तकलीफ है, बेहतर इलाज के लिए उन्हें बाहर भेजा जाना चाहिए। मौके पर राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह समेत अन्य मौजूद थे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड के पलामू, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, चाईबासा और सिमडेगा के अलावा संथाल परगना के कई गांव झोला छाप डॉक्टरों के मकड़ जाल में फंसे हैं। इससे मरीज परेशान है। सही इलाज नहीं मिलने से गरीबों की जान जा रही है। पिछले दिनों हजारीबाग और गिरिडीह में ऐसे कई मामले पकड़ में आए। अब पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो में बिना लाइसेंस का अस्पताल का संचालन करने वाले 2 झोला छाप डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अस्पताल को सील कर दिया गया है। अस्पताल का संचालन मेदिनीनगर मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर चांदो के तेतरिया डी में हो रहा था। 5 कमरों के एक भवन में अस्पताल का संचालन होता था, जिसमें एक ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से कई आपत्तिजनक दवा और सामान भी बरामद किया है। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। धनबाद बरकाकाना रेलखंड में तनिया रेल पुल के पास ट्रैक के दोहरीकरण कार्य में लगी एक पोकलेन मशीन एवं कई मिक्सर मशीनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना शुक्रवार की देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दनिया से जगेश्वर बिहार के बीच एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट नामक कंपनी ट्रैक का दोहरीकरण कार्य कर रही थी। दनिया में बोकारो नदी पर स्थित पुराने रेल पुल के ठीक बगल में एक नए पुल का निर्माण चल रहा है। इसी में लगी पोकलेन मशीन एवं कई मिक्सर मशीनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। बगल से गुजर रही पैसेंजर ट्रेन के सवारियों ने भी मशीनों को जलते देखा।
घटना से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। नक्सलियों के एक पूरे दस्ते ने घटना को अंजाम दिया है। संभावना जताई जा रही है कि लेवी को लेकर शायद नक्सलियों ने घटना की है। काफी दिनों से शांत क्षेत्र में एक बार फिर नक्सलियों ने दहशत फैला दी है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।